गुड मॉर्निंग। आज हम एक फिजिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेंगे जो कि अभी प्रीवियस क्लास में है, वायुदाब और वायुदाब की पेंटिंग। वायुदाब एयर प्रेशर क्या होता है? वायु और उसके वायु के अन्य संगठन जो होता है, अन्य गैसें होती हैं, जलवाष्प, धूल के कण, वायु अन्य गैसें, पूरा उसका जो दाब होता है, उसका प्रेशर होता है, उसका जो भार होता है जो कि लगता है वायुमंडल में, उसे कहते हैं वायुदाब। जो कि समुद्र तल पर 1013 मिलीबार वायुदाब मापने की इकाई है। समुद्र तल पर 1013 मिलीबार वायुदाब होता है। वायुदाब मुख्य रूप से ताप और पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होता है। वायुदाब की पेटियां कौन सी हैं? ये हम एक ग्रुप बनाकर देखेंगे। जैसे कि ये ग्लोब है, इसका जो मध्य का भाग है कर्क भूमध्य रेखा वाला, ठीक है, उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी जो इसके कर्क और मकर के बीच में है, लगभग 5 डिग्री उत्तर में 5 डिग्री दक्षिण में। जैसे हम एक ग्लोब की आकृति बनाए, कुछ तापजन पेटियां हैं, कुछ गतिजन पेटियां हैं, इनकी चर्चा करेंगे। इस भूमध्य रेखा 5 डिग्री उत्तर में 5 डिग्री दक्षिण में, इसे कहेंगे विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। तो भूमध्य रेखा के आसपास उच्च तापमान रहता है, उच्च तापमान के कारण इस क्षेत्र में हमेशा वायुदाब कैसा रहेगा? निम्न रहेगा। ताप और दाब में विपरीत संबंध है, ताप उच्च रहता है तो वायुदाब निम्न रहता है, ताप निम्न रहता है तो वायुदाब उच्च रहता है। तो इस विषुवत रेखीय पेटी को डॉल्ड्रम पेटी भी कहते हैं, डॉल्ड्रम पेटी या शांत पेटी भी कहती है। इस पेटी में उच्च ताप रहता है, संवहनीय वर्षा होती है और सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, यानी उच्च ताप, उच्च वर्षा और सर्वाधिक जैव विविधता इस पेटी में पाई जाती है। मानव अधिवास या मानव का निवास इस क्षेत्र में कम रहता है। तो ये कैसी हो गई? तापजन पेटी हो गई है, ताप जन्य, ताप से प्रभावित हो रही है। एक पेटी देखिए हम, इसे अश्वच्छांश भी कहते हैं, यानी उपोष्ण उच्च दाब पेटी। एक हो जाएगी उपद्रवीय निम्न दाब पेटी, एक हो जाएगी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ऐसे ही नीचे चलेंगे, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपद्रवीय निम्न दाब पेटी,
ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, तो ये तापजन पेटी है, तापजन है। और ये जो बीच की है उपोष्ण उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ये पृथ्वी की गोलन गति से प्रभावित होती है, तो ये गतिजन्य पेटी है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे इस तरह कुल मिला के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मिला के देखें तो तापजन पेटियां कितनी हैं, गतिजन पेटियां कितनी हैं, एक दो और तीन, तो तीन तापजन्य पेटियां हैं, तापजन पेटियां तीन, और चार गतिजन्य पेटियां। तो पृथ्वी की गुणन गति से प्रभावित होती है। अब देखते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी जो कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है, इसे अक्षांश भी कहते हैं। इस पेटी में तापमान भले ही ज्यादा कम नहीं रहता, थोड़ा उच्च रहता है, परंतु फिर भी वायु दाब कैसा है, उच्च है। क्यों? क्योंकि इस पेटी में पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव के कारण ये पेटी यहां उच्च दाब रहता है, क्योंकि भूमध्य रेखा क्षेत्र से और उपध्रुवीय क्षेत्र से जो वायु उठती है वो इन अक्षांशों में अक्षांशों आके इकट्ठी होती है और यहाँ वायु का भार बढ़ जाता है, इस कारण यहाँ उच्च दाब रहता है। एक तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इस पेटी में उच्च दाब रहता है, दूसरा यहाँ वायु का भार ऊपर की पेटियों से, ऊपर और नीचे की पेटियों से आके यहाँ इकट्ठा होता है, तो इस कारण यहाँ वायु दाब बढ़ जाता है। इस पेटी से पवने चलती है, हमेशा पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इस पेटी से व्यापारिक पवन चलती है जो कि भूमध्य रेखा पेटी की ओर चलती है। एक पवन वाला टॉपिक है वो अलग पढ़ाएंगे हम। इसके ऊपर है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ये भी निम्न दाब पेटी है। यहां तापमान ठंडा प्रदेश है, तापमान कम ही रहता है, फिर भी वायु दाब कैसा रहता है, निम्न रहता है, परंतु उच्च होना चाहिए, उच्च क्यों नहीं है, इसके कोई कारण है, यहां से वायु का मिश्रण होता रहता है, तो वायु कम होती रहती है और पृथ्वी की गुणन गति का प्रभाव, इस कारण यहां निम्न दाब पाया जाता है, परंतु उच्च दाब होना चाहिए, परंतु वो निम्न दाब है, उसका कारण यही है पृथ्वी की गुणन गति और यहां से वायु का मिश्रण ऊपर और नीचे की पेटियों में होता रहता है। तो 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य ये पाई जाती है। ऊपर की है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ध्रुवों पर मौसम हमेशा ठंडा रहता है, बर्फ जमी रहती है, इस कारण यहाँ निम्न तापमान रहता है, निम्न तापमान के कारण यहाँ वायु दाब कैसा रहेगा, उच्च होगा। तो इन वायु दाब पेटियों के हिसाब से ही पवने चलती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसी पेटियां होंगी। इस पेटी में से पवने अश्वस्थान से ऊपर की ओर चलेंगी या ध्रुवीय पश्चिम पवन आएंगी और नीचे की ओर भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी, तो पश्चिम पवन होंगी। इधर ध्रुवीय क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर पवने चलेंगी, क्योंकि ध्रुवीय पेटी कैसी है, उच्च दाब पेटी है, और उपध्रुवीय पेटी कैसी है, निम्न दाब पेटी है, तो पवने हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो ध्रुवीय पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इस तरह ये चार गतिजन पेटियां हैं और तीन तापजन्य पेटियां हैं। इन पेटियों के प्रभाव से ही पवने प्रभावित होती है। इन पेटियों में परिवर्तन होता रहता है इनके अक्षांशों में। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ये पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, 5-10 डिग्री अक्षांश ये खिसक जाती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो ये पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं।
इस प्रकार की पेटियों के ऊपर वितरण है। इन पेटियों के प्रभाव से ही बबलें प्रभावित होती हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इन पेटियों से पवने कैसे प्रभावित होती हैं, कौन कौन सी पवने हैं। जैसा कि बता रहा हूं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, भूमध्यरेखीय पवने। तो ये पवने इस प्रकार इन पेटियों के हिसाब से चलती हैं। थैंक यू।